नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव फैकल्टी ऑफ कॉमर्स सेमेस्टर यूनिवर्सिटी। आप सर्व विद्यार्थी मित्रों ने कहवा मांगू छू कि सेकंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर 4 एक्शन परीक्षा आती काले अंतिम पेपर है और परीक्षा जो समय है सवेरे 8 થી 11 વાગ્યાનો है। दरेक विद्यार्थी मित्रों ने नोंध लेवा विनंती। आती काल पेपर जो ऑप्शनल पेपर है, दरेक ऑप्शनल पेपर प्रेक्टिस् क्वेश्चन हूँ दरेक विद्यार्थी मित्रों ने कहवा मांगू छू। आ प्रेक्टिस् क्वेश्चन लास्ट 5 ईयर एक्सटर्नल एक्जाम बेसिस पर रेग्युलर लेक्चर्स में प्रोफेसर द्वारा जो टीचिंग करेज पेम्पलेट्स में बेसिस पर है। दरेक विद्यार्थी मित्रों ने हूँ प्रेक्टिस क्वेश्चन कहवा मांगे सब्जेक्ट वाइज। फर्स्ट सब्जेक्ट आप बात करूँ रिटेल मैनेजमेंट की, तो रिटेल मैनेजमेंट मैनेजमेंट में यूनिट 1 में आप प्रेक्टिस क्वेश्चन हूँ आपने कहवा मांगीश। फर्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ रिटेलर्स एंड रिटेलिंग इन इंडिया। आ बे प्रश्न था यूनिट 1 में। यूनिट 2 की बात करिए तो यूनिट 2 में फर्स्ट क्वेश्चन है सैटिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर मर्चेंडाइजिंग प्लान और डिटरमाइनिंग द एस्टोमेंट प्लानिंग प्रोसेस। आ यूनिट 2 ना बे प्रेक्टिस क्वेश्चन था। हवे आपणे वात करीशुं यूनिट 3 नी। यूनिट 3 में क्वेश्चन नंबर 1 स्टोर लेआउट एना ओरमा डिजाइन एंड कस्टमर सर्विस। आ यूनिट 3 ना बे प्रेक्टिस क्वेश्चन था। हवे यूनिट 4 नी वात करीशुं। यूनिट 4 में क्वेश्चन नंबर 1 कंज्यूमर बिहेवियर एना ओरमा रिटेल प्राइसिंग। आ बे क्वेश्चन था यूनिट 4 में। तो आ टोटल 8 प्रेक्टिस क्वेश्चन में कीधा 4 यूनिट में रिटेल मैनेजमेंट सब्जेक्ट मैं। हवे आपणे वात करीशुं पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल इन इंग्लिश। तो यूनिट 1 में प्रेक्टिस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 सेल्फ अवेरनेस और में सेल्फ डिसिप्लिन। आ बे क्वेश्चन यूनिट 1 में था। हवे बात करीशुं यूनिट 2 नी। तो यूनिट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 पॉजिटिव एंड नेटिव एटीट्यूड एना और में सेल्फ एस्टीम। साथ आज क्वेश्चन 2 था प्रेक्टिस क्वेश्चन यूनिट 2 में। हमें बात करीशुं यूनिट 3। तो यूनिट 3 में क्वेश्चन नंबर 1 है मोटिवेशन और में गोल सेटिंग। आ बे प्रश्न था यूनिट 3 में। हमें बात करीशुं यूनिट 4। तो यूनिट 4 में फक्त एक प्रश्न है नेटवर्किंग स्किल्स। आ फक्त एक प्रेक्टिस क्वेश्चन है यूनिट 4 में। हमें आपणे बात करीशुं लास्ट सब्जेक्ट की, तो सॉरी लास्ट जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है एमांथी एक सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स। तो क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स में आपणे बात करीशुं। तो यूनिट 1 में मार्केट इक्विलिब्रियम क्वेश्चन नंबर 1 एना और में टैक्स एंड सब्सिडी। आ यूनिट 1 में बे प्रेक्टिस क्वेश्चन था। हमें बात करीशुं यूनिट 2। तो यूनिट 2 में फक्त एक प्रेक्टिस क्वेश्चन है एप्लिकेशन ऑफ कैलक्युलस। हमें बात करीशुं यूनिट 3। तो यूनिट 3 में फक्त एक क्वेश्चन है ग्राफिकल एंड सिम्प्लेक्स मेथड। यूनिट 4। तो यूनिट 4 में एक क्वेश्चन है फक्त एलिमेंट्री मैट्रिक्स एलजेब्रा। आतु प्रेक्टिस क्वेश्चन 1 यूनिट 4 में। तो टोटल आपणे बात करीशुं क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में, तो टोटल 6 प्रेक्टिस क्वेश्चन है जे मैं आप विद्यार्थी मित्रों ने कीधा। हवे नेक्स्ट आपणे सब्जेक्ट की बात करीशुं इन्स्योरेंस प्रोडक्ट। तो इन्स्योरेंस प्रोडक्ट में यूनिट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 सिग्निफिकेंस एंड प्रिंसिपल एना और में इन्स्योरेंस एक्ट। आ बे प्रेक्टिस क्वेश्चन यूनिट 1 में था। यूनिट 2 की बात करीशुं तो क्वेश्चन नंबर 1 टाइप्स ऑफ इन्स्योरेंस प्रोडक्ट एना और में प्रीमियम कैलक्युलेशन। हमें बात करीशुं यूनिट 3। तो यूनिट 3 में फक्त एक प्रेक्टिस क्वेश्चन है फायर इन्स्योरेंस। यूनिट 4 की बात करीशुं तो क्वेश्चन नंबर 1 मार्केटिंग इंटरमीडियरीज एना और में मार्केटिंग मिक्स। तो आ इन्स्योरेंस प्रोडक्ट ना टोटल 7 प्रश्न था जे प्रेक्टिस प्रश्न था मैं आप सर्व विद्यार्थी मित्रों ने कीधा। हवे आपणे वात करीशुं जे सब्जेक्ट छे आईटीआरपी। आईटीआरपी कॉमन सब्जेक्ट होय छे, घणा बधा विद्यार्थी मित्रों आ सब्जेक्ट ने सिलेक्ट करता होय छे। तो आईटीआरपी ना जे क्वेश्चन छे थियरी छे सम छे हूँ कहवा मांगीश। तो यूनिट 1 क्वेश्चन नंबर 1 एक्जाम्पल ऑफ सेट ऑफ कैरी फॉरवर्डेड लॉसिस एना और में एक्जाम्पल ऑफ अल्टरनेटिव रेजिम एंड रेग्युलर रेजिम एना और में प्रोविजन ऑफ पेन कार्ड। यूनिट 2 की बात करीशुं तो क्वेश्चन नंबर 1 रिवाइज रिटर्न एना और में डिफेक्टिव रिटर्न एना और में टाइम लिमिट फॉर फिलिंग रिटर्न एना और में प्रोविजन फॉर फिलिंग आईटीआर। हमें आपणे बात करीशुं यूनिट 3। तो यूनिट 3 में क्वेश्चन नंबर 1 प्रोविजन फॉर टीडीएस एना और में सेक्शन 193 एना और में सेक्शन 194A एना और में सेक्शन 194C कॉन्ट्रेक्ट एना और में सेक्शन 194I रेंट एना और में लास्ट सेक्शन 194 प्रोफेशनल फीस।
तो आ यूनिट थ्री ना जे प्रेक्टिस क्वेश्चन था ये था। हमें यूनिट फोर की बात करीशू तो यूनिट फोर में क्वेश्चन नंबर वन प्रोविजन फॉर फाइलिंग टी एंड टेन एना ओर में क्वेश्चन नंबर वन टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग रिटर्न एना ओर में टाइम लिमिट फॉर डिपोजिट ऑफ टी डी एस एना ओर में ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। तो आ प्रेक्टिस् क्वेश्चन था यूनिट फोर में। तो आ जितना पण मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट प्रेक्टिस् क्वेश्चन आप सर्व विद्यार्थी मित्रों ने कीधा तो आ दरेक जे प्रेक्टिस् क्वेश्चन था ये लास्ट फाइव इयर पेपर ना बेसिस पर रेग्युलर लेक्चर्स में जो टीचर्स द्वारा टीचिंग करवामां आवे छे एना बेसिस पर था। दरेक विद्यार्थी मित्रों आती काले जारे परीक्षा आपवा जाए तो एक बार आनी तैयारी करीने जशे तो एने कंकना कंक जगह परीक्षा में जरूर मददरूप थशे एवी मारी आशा छे। दरेक विद्यार्थी मित्रों ने आती काल अंतिम पेपर माटे विशिंग यू ऑल दी बेस्ट।